वालेकुम स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज है 2 की, जिसमें उसने फाइंड करने के लिए क्या बोला है। इफ़ द एरिया ऑफ अ स्केयर रूट 161604 मीटर स्केयर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार नंबर्स, नंबर ऑफ स्केयर फील्ड, सॉरी ये देखा स्केयर फील्ड है ना, नंबर ऑफ स्केयर फील्ड क्या है हमारे पास, 1610 1604 मीटर स्केयर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका स्केयर रूट फाइंड करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ द वन साइड निकाल लेना, यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ इट्स वन साइड, ऑफ इट्स वन साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा इसका 161604, ठीक है, मीटर स्केयर। ठीक हो गया, अब हमने इसका क्या करना है, अब हमने इसका ले लेना है स्केयर रूट, ले लेना है 161604, पेयरिंग बनाई राइट टू लेफ्ट ऐसे। यहाँ पे क्या आएगा, 4 0 4 4 16, ठीक है, माइनस करेंगे 0 0 आएगा 16, पूरा पेयर आ गया नीचे, 4 प्लस 4 8। अब सिंगल पेयर हमने नीचे उतार लिया, इसका कोई नहीं बनेगा, मतलब हमने क्या करना है, अब डबल पेयर नीचे उतार लेना है। डबल पेयर जब नीचे एट द स्पॉट वन टाइम में टू टाइम, एक चीज़ में हम दो जब चीज़ें नीचे उतार लेंगे तो क्या आएगा, 0। टू पेयर नीचे उतार लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, डबल पेयर आ गया नीचे। ठीक है, अब हमने इसको किसके साथ अटैच करना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए 80 को हम कर देंगे 2 के साथ, तो क्या आएगा, 2 4 2 2 4 2 0 2 16, पूरा हो गया। यहाँ पर आ गया 2 4 0 2 1 6 0 4, यहाँ पर आ गया 2, ये हमारी वन साइड निकल आई। ठीक है, लेंथ ऑफ द वन साइड, यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ इट्स वन साइड। ठीक है, क्या आ गया, 4 0 2, एक साइड की जो लेंथ उसने फाइंड करने के लिए बोला, तो क्या आ गया हमारे पास, 4 0 2। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें उसने फाइंड करने के लिए क्या दिया हुआ हमें, सादिया हैज 169 मार्बल दैट शी इज यूजिंग टू मेक स्केयर फॉर्मेशन, हाउ मैनी मार्बल्स शुड इन ईच रो। वो कहती है उसके पास टोटल 169 मार्बल्स हैं, हर कतार में कितने मार्बल लगेंगे वो फाइंड करने हैं हमने। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर्स ऑफ मार्बल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, क्या आएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स आएगा हमारे पास 169। यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, ईच रो फाइंड करनी है, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स इन ईच रो, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ ईच रो, ईच का मतलब है वन, ईच रो, इसका क्या हम ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे 169। ठीक है, 169 का हमने क्या ले लेना है, स्केयर रूट ले लेना है, तो यहाँ भी हमने क्या करना है, अब स्केयर रूट लेंगे इसका 196, पेयरिंग आ गई 1 1 द 196, 1 प्लस 1 2, कौन सी ऐसी पेयरिंग अटैच होगी इसके साथ, होगी आई थिंक 3 पे करके देखिए, 3 3 द 9 6 9, और ये किस पे जाता है, ये जाएगा आई थिंक 4 पे, क्योंकि एंड पे क्या है, 6 है, 2 4 4 4 द 16 9 94 पे गया पूरा, ये आ गया 4 96, कंप्लीट हो गया ये हमारे पास। ईच रो निकलाई मतलब हर कतार में 14 मार्बल लगेंगे तो ये क्वांटिटी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स इन
ईच रो, ईच रो क्या आ जाएगी 40। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। वेलकम स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज 2 का, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, वैल्यू क्या है हमारे पास 1728। इसकी हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 1728 लास्ट वैल्यू क्या है, इवन है। ठीक है, इवन पहले हम करते हैं 2 पे, क्या आएगा 28 दा 16, 26 दा 12, 24 दा 8, फिर इवन है लास्ट पे क्या आएगा 2 पे 24 दा 8, 23 दा 6, 22 दा 4, फिर इवन है लास्ट पे क्या आएगा 2 पे 22 दा 4, 21 दा 2, 26 दा 12। ठीक है, फिर जाएगा 2 पे 21 दा 2, डबल वैल्यू नीचे उतर आएगी तो क्या आएगा 0, 28 दा 16, फिर 2 पे जाएगा तो क्या जाएगा 25 दा 10 या 24 दा 8। ठीक है, 2 पे जाएगा 22 दा 4, 27 दा क्या आ जाएगा 14। ठीक है, अब ये ओड है, ओड किस पे जाएगा 3 पे, 39 दा क्या आ जाएगा 39 दा आ जाएगा 27, क्या आएगा 33 दा 9, 31 दा 3। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारी हो गई कंप्लीट, तो अब हमने क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे उतारते हैं क्या, कितने टू हैं हम काउंट करके लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या आएगा 2 2 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने इसको 3 क्यूब का मीन क्या था 3। ठीक है, क्यूब का मतलब क्या है 3, तो अब हमने क्या करना है 3 की पेयरिंग बना लेनी है यहाँ पे 3 ऐसे। लास्ट एक्सरसाइज जो इसकी थी वो भी मैंने उसमें सारा आपका पॉइंट जो था इसमें क्लियर कर दिया क्यूब का। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्यूब की पावर क्या, 2 की पावर क्या आ गई 3, 3 टू 1 है 3 टाइम 2 है ना 1 2 3। यहाँ पे क्या आ गई 3 टाइम, पावर क्या बन गई 3। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, पावर को कॉमन ले लेना है 2 2 मल्टीप्लाई 3। पावर सबकी सेम है, देखें क्यूब है, यहाँ पे क्यूब आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 द 4 4 3 द 12 12 ब्रैकेट 3। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हमने यहाँ पे करना है, यहाँ पे ले लेना हमने क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वैल्यू हमारे पास क्या थी यहाँ पे 1728। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या आया हमारे पास 12 की पावर 3, यहाँ पे क्या आ गया 3। क्यूब की, क्यूब रूट की वैल्यू क्या, यहाँ पे मैंने आपको बताई थी इस चीज़ की 1/3 ऐसे। चाहे आप क्यूब रूट लगा लें चाहे 1/3 लगा लें, दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने 12 3 क्यूब रूट की वैल्यू आ गई 1/3, 3 1 3 3 1 3। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 12, कटिंग होगी तो हमारे पास आ गया 12 आंस। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो है कि बी पार्ट इसका, बी, ये बी पार्ट। ठीक है, क्या फाइंड करना है इसमें हमने, क्यूब रूट। इसकी पहले क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है 3375, लास्ट पे क्या वैल्यू है ओड, ओड जाएगी या 3 पे या 7 पे या 5 3 5 7 9 पे। यहाँ पहले 3 पे करके देखते हैं, 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 5 15, 3 3 9 3 4 3 3 9 9 2 क्या आएगा 3 7 21 क्या आ जाएगा 5 3 5 50। ठीक है, अब फिर 3 पे करके देखते हैं, 3 1 3 3 2 6 3 5 15, अब ये 125 आ गया। ये ओबियसली जो है 5 पे जाएगा, 5 2 10 5 5 25। ठीक है, किस पे गएगा 5 5 25 5 1 5। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन को, ये है फैक्टराइजेशन इसकी, इसकी इसको राइट करना है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5
थ्री की फॉर्म में आपने इसकी पेयरिंग करनी है, क्योंकि क्यूब रूट आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये पावर क्या बन जाएगी इसकी, थ्री, इसकी पावर क्या बन जाएगी, थ्री। हमने पावर को ले लेना है कॉमन, ठीक है, ब्रैकेट वाले के अंदर जो वैल्यू उसको कर लेना मल्टीप्लाई 3 5 15। ये अब यहाँ पे हमने क्या ले लेना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन क्यूब रूट, सॉरी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। वैल्यू क्या है हमारे पास, 3375। आंसर क्या है इसका, जो हमारे पास आया है 15 क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया, ये 3 क्यूब रूट की उसकी जो वैल्यू थी वो मैंने आपको क्या बताई थी, 1/3 15, 3 क्यूब रूट की 1/3 आ गई, 3 1 3 3 1 3, यहाँ पे क्या आ गया 15 खाली, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया बी, 6 वाले पार्ट का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया हमारा। स्टार्ट करते हैं 6 वाले क्वेश्चन का सी पार्ट, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 216/125, फिक्शन में है, ठीक है। पहले जो उसकी नोमिनेटर वाली वैल्यू है इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इवन है यहाँ पे, 2 पे जाएगा, 2 1 2 0, डबल वैल्यू नीचे उतारी है, 8 आ जाएगा, ठीक है, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, यहाँ पे यह आ जाएगा 2 2 2 4, क्या आ जाएगा, 2 7 14, 3 पे जाएगा ओड है, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। अब उसके बाद किसकी फैक्टराइजेशन करनी है, डिनोमिनेटर वैल्यू की, वो हमारे पास है 125, ओड वैल्यू है 5 पे जाएगी, 5 2 10, 5 5 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 5 25, 5 1 5। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इसकी 216 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है कि 2 2 2 3 3 3, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने 5 5 डिनोमिनेटर वैल्यू हमारी क्या थी, 125 की फैक्टराइजेशन लिखनी है, ये 3 की फॉर्म में हमने इसकी पेयरिंग करनी है क्यूब में, मतलब ये आ गया, ठीक है। 5 की भी पेयरिंग क्यूब की फॉर्म में आएगी, ये यहाँ पे इसकी पावर क्या बन गई, 3, इसकी पावर क्या बन गई, 3, 5 की पावर क्या बन जाएगी, 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पावर को कॉमन ले लेना है, 2 3/5, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखना है ना टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। वैल्यू हमारे पास क्या थी, 216/125 क्यूब, यहाँ पे क्या आया हमारे पास, ओहो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं, आगे कर लेते हैं। ये देखिए 236/5, ये स्टेप ही हमारे पास छूट गया था। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 6/5, पावर इसकी क्या आएगी, 3, क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, क्यूब रूट की 3। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है ऐसे, 6/5, 3 1/3, ये कटिंग हो गई। हमारे पास जो बाकी वैल्यू बची है वो क्या आई है, ये साइन इसलिए आता है क्योंकि नीचे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, 6/5, ये हमारे पास आंसर है। जिस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन होगा फिक्शन की फॉर्म में था, और फिक्शन की फॉर्म में ही आंसर आना चाहिए। अगर होल नंबर में आपके पास वैल्यू है तो होल नंबर में ही आंसर आना चाहिए। ये आज हमारा हो गया चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट, 2.9 तक, 2.1 से लेकर 2.9 तक सारी एक्सरसाइज होगी, रिव्यू भी हो गया, ठीक है। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया आज हमारा। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, शेयर करने के साथ सब्सक्राइब लाजमी किया करें, सब्सक्राइब करने से आपके हमारी हौसला अफजाई हो जाती है,
और नए से नए मेथड आपके लिए लाए जाते हैं ताकि आपको मैथ में जो भी मुश्किल हो वो साथ साथ क्लियर करते जाओ। आप इसको सब्सक्राइब करना लाजमी ना भूलिएगा, सब्सक्राइब लाजमी किया करें। सब्सक्राइब करने के साथ आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिले।